ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि ऊपर वाला जब देता है वाकई छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ पे दुबई के अंदर, यूई के अंदर, एक लड़का जो नेपाल से था, कार वॉशिंग का काम करता था, गाड़ी साफ करता था, 1300 दिरहम उसकी महीने की सैलरी थी, लेकिन एक लकी ड्रॉ में उसने पार्टिसिपेट किया और 10 मिलियन दिरहम जीते। 1 मिलियन दिरहम नहीं, 10 मिलियन दिरहम जीते उन्होंने। और उसके बाद आप ये अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में और नेपाली रुपीज़ में ये जो 10 मिलियन दिरहम्स है वो कितने बढ़ते हैं। इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और वाकई ये चीज़, ये जो कहावत किसी ने बोली थी वो बिल्कुल ठीक बोली थी। एक चीज़ होती है जो चीज़ आप लोगों के नसीब में होती है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल जाती है, लेकिन आप लोगों की जो नीयत है ना वो साफ होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये जो लड़का है, भारत इसका नाम है, नेपाल से 3 साल पहले आया था यहाँ पे दुबई के अंदर। ये भी एक सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है दुबई को। ये भी अपने सपने लेके आया था, यहाँ पे आऊँगा, काम करूँगा। और उसके बाद इसका जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि मैं अपने भाई को, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा। उसके भाई को ब्रेन ट्यूमर था, उसका इलाज हुआ, वो थोड़ा पैरालाइज हो गया, उसको हियरिंग में प्रॉब्लम आना शुरू होगी और स्टिल उसका इलाज चल रहा है। और अभी उसके लिए तो खुशी की इंतहा नहीं रही होगी जब तो उसने एक इतनी बड़ी अमाउंट हुई। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये 1 मिलियन नहीं है, ये 10 मिलियन दिरहम है। इससे जो चीज़, एक चीज़ आप लोगों को भी सीख मिलती है कि अगर आप एक सही रास्ते पे चलते हैं, कहना आसान है, सुनना भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा होगा, लेकिन अगर आप लोग अपना एक माइंडसेट किसी गलत रास्ते में नहीं जाते, किसी के साथ फ्रॉड, किसी के साथ दो नंबरी करने के चक्कर में, मौके पे चौका मारने के चक्कर में नहीं रहते हैं, तो ऊपर वाला भी आप लोगों की मदद करता है। सही टाइम के ऊपर, सही वक्त के ऊपर आप लोगों के नसीब में जो चीज़ होती है वो आपको मिल ही रहती है, लेकिन बस उस चीज़ का आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जिस तरह इस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होगा यार कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ में मिल जाएगा, लेकिन ये उसके नसीब में था, उसको मिलना था इनडायरेक्टली, रातों रात बैठे हुए बस एक सरप्राइज के सूरत में मिल गया। इसी तरह आप लोग भी जो भी यहाँ पे आते हो, एज अ जॉब सीकर आते हो या किसी भी काम के लिए आते हो, बिजनेस के लिए आते हो, जॉब सीकिंग के लिए आते हो, एक राइट टाइम होता है, आपने बस अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपना काम जारी रखना है, उसके बाद रिजल्ट्स आप लोगों के हाथों में होते ही नहीं है। और जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं है तो उसकी फिक्र क्या करनी है। आप भी बिल्कुल भारत की तरह एक दिन इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत सारी अच्छी खबरें ज़िंदगी में आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।